ओ भाव हम जरा ये वीडियो ना पूरा देखने का, क्योंकि ये पेज वाले पैसा कमाएंगे ना तो कट मेरे को भी मिलने को मांगता है। मेरा भगोड़ा भाई है ना, हम सबको टोपी पहना के वट लिया, साइली से शादी करने के लिए बाबा से 27 लाख रुपया लिया और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। फिर क्या था, साइली से मेरे को शादी करना पड़ा। अभी यहाँ कहीं तो एडजस्ट करेगा ना भाई। तू बता तो लीजा, मैं लेके आऊंगी इसे तेरे साथ। नहीं आएगा टीना। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा, कुछ तो डिटेल दे उसके बारे में, मैं खींच के लाऊंगी उसे तेरे सामने। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे हर्ट करने की? लीजा, लीजा प्लीज रोना बंद कर और ठीक से पूरी बात बता, क्या हुआ, कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ग्रैंडमा के फ्यूनरल के लिए अचानक से गोवा चली गई, तो बिजी हो गई, ना फोन कर पाई, ना मैसेजेस, ना उसने किया। अचानक से एक दिन उसका कॉल आया और उसने उसने कहा कि सो है। टीना ऐसे कैसे कोई ब्रेकअप कर सकता है? बस मैंने तब से लेके अब तक इतने फोन किए, इतने मैसेजेस किए, नो रिस्पॉन्स, और अब तो फोन भी स्विच्ड ऑफ आता है, मैं क्या करूं? तू नंबर दे मुझे उसका। कोई फायदा नहीं है, इट्स स्विच्ड ऑफ। कोई पिक्चर है उसकी? पिक्चर दिखा या व्हाट्सएप मैसेजेस, कुछ तो होगा ना, दिखा। प्लीज डोंट टेल मी लीजा कि तेरे पास उसकी कोई पिक्चर नहीं है। लीजा कौन से युग में जी रही हो तुम? उसने कहा कि उसे पिक्चर्स क्लिक कराना पसंद नहीं, तो मुझे लगा नहीं होगा, तू भी तो पिक्चर्स क्लिक करने नहीं देती ना, ना मुझे ना कायरव को, तो मुझे लगा वो भी हेट करता होगा सोशल मीडिया को। लीजा मैं क्लिक नहीं करवाने देती थी क्योंकि लीजा इसका मतलब तेरा बॉयफ्रेंड किसी से कुछ छुपा रहा है। वो नहीं चाहता था कि उसका नाम कहीं सामने आए या उसके बारे में किसी को पता चले या वो कहीं पकड़ा जाए। But why? वो क्यों करेगा ऐसा? अब ये तो वही बता सकता है लीजा, हमें उसे ढूंढना होगा। मेरी लाइफ बर्बाद हो गई टीना, अब मैं उसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। I loved him so much. लीजा प्लीज शांत हो जाओ, हम कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं ना। लीजा प्लीज रिलैक्स। वो भी उदयपुर जा रहा है। कौन? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? हाँ, शादी अटेंड करने जा रहा है, कोई गोयनका से है, वहाँ बहुत फेमस ज्वेलर्स, उनके घर में। लीजा तूने कहा था ना कि वो गोयनका की शादी में आया था? हाँ, मतलब अगर हम यहाँ किसी से पूछे तो शायद वो हमें उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। हाँ, मेबी। टीना प्लीज ट्राई करना, मुझे उससे मिलना है, पर वो लास्ट टाइम ही क्यों ना हो, मुझे पूछना है उससे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हर रिलेशनशिप को एक क्लोजर की जरूरत होती है टीना, और मुझे भी वो चांस चाहिए। प्लीज टीना कुछ कर, प्लीज। आई नो लीजा, और जब वो चांस आपको नहीं मिलता तो आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। हर दिन आपको वही एक बात हर्ट करती है कि आपको वो मौका क्यों नहीं मिला। हर दिन आपका मन करता है कि जाके अपने उस एक सवाल का जवाब मांगो, और जब तक ना मिले मांगते रहो, मांगते रहो। इस कंगन को कितना भी घिस लो वेदिका, नायरा की छाप इस पर हमेशा रहेगी। मेरी बातों का प्लीज बुरा मत मानना, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, जो सच है वही कह रही हूँ। एनीवेज मेहंदी वाली आने वाली है, अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम कर लो, क्योंकि जब मेहंदी लग जाएगी तो तुम कुछ कर नहीं पाओगी। छाप तो हमेशा से हर चीज पे होगी, और उससे प्रॉब्लम भी नहीं है, बस वो एक बार अपना कहा हुआ वादा पूरा करते।
थोड़ी पेशेंस रख वेदिका, उनके जाने तक उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो चली जाएंगी। अपनी तरफ से तो सब ठीक करने की कोशिश करती हूँ मामा, लेकिन पता नहीं क्यों सब गलत हो जाता है। मेरे जाने के फैसले से जितने लोगों को दुख हुआ होगा, वापस आने के फैसले से उससे भी ज्यादा तकलीफ दी है मैंने लोगों को। और वेदिका, उसकी शादी होके भी अधूरी, इसमें उसकी क्या गलती? मैं जाके भी कुछ नहीं कर सकती मम्मा। काश आप होती हैं मम्मा, मेरा हाथ थामने के लिए। काश आप होती हैं मम्मा। वो माँ अपनी बेटी की जिम्मेदारी इस माँ को देके गई थी। थायरा, मेरी बेटी शेरनी है और शेर कभी किसी से डरते नहीं है और ना ही कभी रोते हैं। हर मुसीबत का सामना डट के करते हैं, जैसे तुम आज तक करती आई हो नायरा। अब नहीं होता माँ, अब नहीं होता, थक गई हूँ मैं घर घर भी, अब नहीं होता माँ। अंधेरा सबसे गहरा कब होता है मालूम है ना नायरा? सुबह होने से तुरंत पहले। तुम्हारी जिंदगी की सुबह भी शायद बहुत करीब है और इसीलिए अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा है। पर अंधेरा होता ही क्यों है माँ? ताकि हम उजाले की कदर कर सके। मैं पता है ना, भगवान कष्ट उसी को देता है जिसमें सहने की शक्ति होती है, जो तुम्हें है नायरा। हिम्मत रखो, तकलीफ सिर्फ अपनी हो तो सही जा सकती है, पर अपनों की नहीं। मेरे आसपास सभी दुखी है माँ। कार्तिक, कायरा, वो वेदिका और हम लीसा भी। लीसा, उसे क्या हुआ नायरा? सब ठीक तो है ना? मैं इनफैक्ट तुमसे पूछने ही वाली थी कि जब से वो आई है तुम्हारी परेशानी और भी बढ़ गई है। सब ठीक है ना उसके साथ गोवा में? गोवा में तो सब ठीक है माँ, पर उसकी लाइफ में नहीं। क्या हुआ? अब तुम मुझे बता सकती हो अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। एक बात बताइए माँ, कार्तिक की शादी में, आई मीन कार्तिक और वेदिका की शादी में कौन कौन लोग आए थे, स्पेशली गेस्ट्स? बाहर का तो कोई नहीं था, सारे घर वाले थे और कुछ रिश्तेदार। माम, अनिल, अनिल नाम का कोई? अनिल नाम का तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं अपना। तो फिर उसने कैसे कहा कि वो? उसका नंबर है तुम्हारे पास जिसके बारे में तुम पता करना चाहती हो? हाँ माम, ये उसको कॉल करके देख ले। मैंने कॉल किया माँ, पर फोन ऑफ आ रहा है। माँ, हम पुलिस की हेल्प लेके नंबर ट्रेस करवा सकते हैं, लेकिन लीजा ने अभी तक हाँ नहीं कहा है। ये नंबर तो हमारे ऑफिस सर्किट का नंबर है, इसका मतलब किसी स्टाफ को इशू किया गया नंबर है ये। माँ, आई यू श्योर कि? हाँ नायरा, ये ऑफिशियल सिम है और सारे स्टाफ मेंबर्स को सेम सीक्वेंस है जो हमने 2 साल पहले ही खरीदे थे। मैम, क्या मैं ऑफिस जा सकती हूँ इसके बारे में खुद पता करने? मैं मैनेजर को कॉल करती हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। चलो। थैंक यू माँ। माँ को थैंक यू कहने की जरूरत कब से पड़ने लगी तुम्हें? Thank you.
हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। वो माँ ने कहा था कि मिसेस स्वर्णा गोयनका ने कहा था कि हाँ जी मैम, उनका कॉल आया था मुझे। आप उस केबिन में बैठिए, मैं रिकॉर्ड लेकर आता हूँ। ये रिकॉर्ड्स, ये नंबर जिस स्टाफ मेंबर को इशू किया गया है उसका नाम है समीर, पर उसने ये नंबर कभी यूज नहीं किया मैम। इनफैक्ट उसने तो सिम ही यहाँ से नहीं रिसीव किया कभी। पर ये सिम तो एक्टिवेटेड है, इसका मतलब किसी ने वो सिम यहाँ से गायब की और अनऑफिशियली यूज कर रहा है उसे। हाँ मैम, पर ऐसा कौन कर सकता है वो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई काम होगा तो आपको बुलवा लेंगे, आप जाएंगे भाई। ओके सर जी। जानता हूं तुम्हें हर चीज अपने हिसाब से अकेले करने की आदत है। क्योंकि गोयनका इन्वॉल्व्ड है इसलिए मेरा हक है जानने का कि हो क्या रहा है यहां पर। अपने जिंदा होने की बात छुपाई, मेरा एक बेटा है ये छुपाया, अब स्टाफ से रिलेटेड जो कुछ भी है एटलीस्ट ये बता दोगी तुम? ये नंबर लीजा के बॉयफ्रेंड का है, जिसने अचानक उसे बिना कोई रीजन दिए उसे ब्रेकअप कर लिया और अब फोन भी ऑफ करके बैठा है। मैंने लीजा से प्रॉमिस किया था कि मैं उस आदमी को उसके सामने ला के रहूंगी, तो मैं बस वही कोशिश कर रही थी। आई होप अब तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट मिस्टर गोयनका। कार्तिक छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना कार्तिक। पागल हो गई हो, जल जाती है। मैं जलती नहीं, जला देती हूँ। समझ जाना चाहिए था जब तुमने कहा था कि तुम जलती नहीं जला देती हो। तुम्हें भी तो सिर्फ मेरा जलाना दिखाई देता, जलना नहीं। मैनेजर साहब, आप प्लीज उस नंबर और समीर के बारे में जो भी डिटेल्स है मुझे निकाल के दीजिए, और अगर कुछ और भी पता चलता है तो बताइएगा। श्योर मैम। थैंक्स। कौन हो सकता है हमारे ऑफिस से जिसको लीजा के साथ? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।